गुड मॉर्निंग क्लास टू के बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में साइंस का चैप्टर नंबर 7 का कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आपके लिए पोस्ट किया है। 7 क्वेश्चन आंसर मैंने पोस्ट किया आपके स्कूल वाले ग्रुप पे। ये चैप्टर है डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, बहुत सारा काम इसमें का हो चुका है। तो अंत में कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हुए थे मुझे आप लोग को बताने के लिए, वो मैंने आपको आज डाला है। उसी क्वेश्चन को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, नेम सम एनिमल्स दैट कैरी लोड्स, कि आपको कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताने हैं जो हमारे बोझ को ढोते हैं। ठीक है, एलिफेंट है, हाथी, घोड़ा है, हॉर्स, बुलॉक, बैल, डंकी, गधा, कैमल, ऊंट, ये सब वो जानवर हैं जो बोझ को ढोते हैं। घोड़ा की सवारी भी हम करते हैं, घोड़ा के ऊपर हम अपने चीज़ों को भी लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। बैल का भी वही हाल है, बैल पे सवारी नहीं कहीं करते हैं हमें। ठीक है, डंकी, डंकी के बारे में जानते हैं, गधा की धोबी अपना सारा कपड़ा धोने वाला उस पर ही डालकर फिर पानी वाले स्थान पे लेके जाता है, जहाँ वो कपड़ा साफ़ करता है, फिर वापस उसके पीठ पे लाद कर वापस लेके आता है। कैमल, आप जब रेगिस्तानी इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर इकलौता ये जानवर है जो मनुष्य के साथ साथ सवारियों को भी ढोने में, यानी सॉरी मनुष्य के साथ साथ सामानों को भी ढोने में यही एक जानवर है जो काम आता है, क्योंकि बालू में मनुष्य के और दूसरे जानवर के पैर धंस जाएंगे, सड़क नहीं है तो बहुत दिक्कत वाला इलाका है, तो वहाँ पर ऊँट ही काम आता है। अब दूसरा सवाल मैंने आपके बनाया कि नेम सम एनिमल्स दैट पुल कार्ट्स ऑफ लोड्स, मतलब कुछ वो जानवर के नाम बताएं जो कार्ट्स, लकड़ी की गाड़ियाँ, पहिए लगे होते हैं, टायर लगाइए या लकड़ी के पहिया पहले हुआ करता था, तो वैसे गाड़ियों को खींचने वाले जानवर जिस पे जो उन गाड़ियों पे बोझ भी डाला हुआ है, तो उन गाड़ियों के ऊपर बोझ रखा हुआ है, उस बोझ को खींचने वाले, इस गाड़ी को खींचने वाले जानवरों का नाम बताइए। घोड़ा, घोड़ा गाड़ी, बुलॉक, बैलगाड़ी, कैमल, ऊंट गाड़ी, ये सब वो जानवर हैं जो लकड़ी की बनी हुई पहिया वाले गाड़ी पे जिस पर सामान लदा हुआ है उसको वो खींचते हैं। आपने तो शहरों में, अब तो वो बहुत कम है, अब तो शायद है भी नहीं, कहीं दिखता भी नहीं है, कुछ शहरों में है, बिहार के बेतिया में है, टमटम बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, उस गाड़ी पे लोग बैठते हैं और उसको घोड़ा खींचता है, पिक्चरों में आपने देखा होगा। ठीक है, अब है व्हाट आर पेट्स एनिमल, घरेलू जानवर क्या हैं। एनिमल्स विच वी टेम एंड कीप इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम्स आर कॉल्ड पेट एनिमल, कि वो जानवर जिन्हें हम पालते हैं, घरों के अंदर भी रखते हैं और घरों के बाहर भी रखते हैं अपने सुविधा के अनुसार, ऐसे जानवरों को हम घरेलू जानवर कहते हैं। जैसे सोचिए, तोता है, मछली है, खरगोश है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये सब वो जानवर हैं जो पिट एनिमल हैं, जिनको हम अपने घर के अंदर भी रखते हैं, घर के बाहर भी रखते हैं, घर के बाहर घर के ही चार दीवारी के अंदर रखते हैं। तो ऐसे जानवर जिनको हम पालते हैं, घर के अंदर रखते हैं, घर के बाहर भी रखते हैं, उन जानवरों को हम पेट एनिमल कहते हैं, पाल घरेलू जानवर कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ टेमिंग पेट एनिमल्स। ठीक है, कि घरेलू जानवर को के पालने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो पेट एनिमल बिकम आवर फ्रेंड्स एंड मेक अस फील हैप्पी, मतलब पालतू जानवर जो हैं वो हमारे साथ रहते रहते हमारे मित्र बन जाते हैं और वे हमें खुशियाँ पहुँचाते हैं। आप देखिए, कुत्ता को आप पाल लेते हैं, आपको देखते कुत्ता खुश हो जाता है, आपके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, दुम हिलाने लगता है, आप जैसा कहते हैं वैसा वो करता है, आपको नहीं काटता, आप पे नहीं भोंकता है, लेकिन किसी अनजान आदमी को देखते वो चौकन्ना हो जाता है, भौंकने लगता है, काटने को भागता है, लेकिन आपने उसको पाला है, आपके साथ रहते रहते वो आपसे घुल मिल गया है, तो आपको वो दोस्त बन गया है, वही दूसरे आदमी के प्रति उसका रवैया अलग हो जाता है। तोता आपको देख देखते बोलने लगेगा घर में, खरगोश भी होगा वो आपके पास चला आएगा,
मछली को देखते हैं आप एक्वेरियम में, देख के आपको बहुत अच्छा लगता है। बिल्लियाँ को तो आप लेके गोद में ही खेलने लग सकते हैं, बहुत ऐसे घर में जहाँ बिल्लियाँ पाली जाती है। अब है नेम द एनिमल्स विच गार्ड आवर होम, उन जानवर के नाम उस जानवर का नाम बताइए जो हमारे घर की रखवाली करता है। नेम द एनिमल विच गार्ड आवर होम, उस जानवर के नाम बताइए जो हमारे घर की रखवाली करता है। तो वो है डॉग, कुत्ता, ठीक है। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है, ये आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच एनिमल हेल्प पुलिस इन कैचिंग थीव्स, कि कौन ऐसा जानवर है जो पुलिस को चोरों को पकड़ने में मदद करता है, कौन ऐसा जानवर है जो पुलिस को चोरों को पकड़ने में मदद करता है। तो वो है डॉग, कुत्ता। कुत्ता ही वो जानवर है जिसकी मदद से पुलिस को चोरों को पकड़ने में बहुत आसानी होती है। कुत्ता के अंदर एक खूबी होता है, उसके अंदर सूंघने की गजब की शक्ति होती है, बड़े बहुत ही ताकतवर शक्ति होता है। उस शक्ति के मदद से वो जहाँ पे कोई तरह की कोई दुर्घटना हुई रहती है, कोई तरह का अपराध हुआ रहता है, वहाँ जाने के बाद जब वहाँ पे सूंघता है तो उसको इस बात का पता चल जाता है कि जो जिसने इस काम को किया है वो किधर गया है, फिर वो उसके उस गंध के पीछे भागता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पे वो अपराधी होता है और पुलिस आसानी से उसको पकड़ लेती है। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के क्या फ़ायदे हैं। मैंने लिखा है कि वी गेट मेनी थिंग फ्रॉम देम, कि हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है, बहुत सारी चीज़ें, एंड दे आर वेरी यूजफुल फॉर नेचर, और वो हमारे प्रकृति के लिए बहुत ही उपयोगी है। सोचिए अगर जानवर ना हो, ये तो बड़े क्लास का है लेकिन मैं थोड़े में समझा देता हूँ। जानवर ना हो तो जंगल में जो भी मरे हुए जानवर हैं जिन्हें स्क्वेंजर खाते हैं, ऐसे भी जानवर हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं जंगलों में, अगर वो ना खाएं तो जंगलों में बीमारी फैल जाएगी, महामारी फैल जाएगी, जंगल के कितने जानवर उसके शिकारों के मर जाएंगे, सारा पर्यावरण बिगड़ जाएगा। अब आप देखिए दूसरा है फूड चैन, जैसे घास खाता है जिसको आप बोलते हैं ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नैक खाता है, स्नैक को ईगल खाता है, ठीक है। अगर इसमें से सारे फ्रॉग ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, ग्रास ऊपर की संख्या बढ़ जाएगी, ग्रास ऊपर की संख्या बढ़ जाएगी, और स्नैक क्या खाएगा, फिर स्नैक को, फिर ईगल क्या खाएगा, तो हमारा सारा जो नेचर का सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, वो असंतुलित हो जाएगा। इसलिए हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, उनके प्रति दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, और वैसे भी वो हमारे प्रकृति के हिस्सा हैं, वो अंग हैं। तो ये आपके मैंने 7 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आप इसको अपने फेयरबुक पे लिखें और उसका फोटो स्नैप लेके क्लास के वीडियो पे डालें, सॉरी ग्रुप पे डालें, और लर्न करके वीडियो बना के वो भी डालें तो मज़ा आएगा। ओके, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।